Hello everyone, I welcome you on Schooling Guide, and in today's video lecture we are going to talk about administrative officials of Akbar. तो सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ दीवान की. चीफ दीवान को दीवाने कुल भी कहा जाता था और उनकी मेन ड्यूटी होती थी कि जो रॉयल ट्रेजरी है यानी कि जो शाही खजाना है तो उसका उसको सुपरवाइज करना, क्या खर्चे हो रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या रिवेन्यू कलेक्शन आ रहा है, तो वो सबकी जानकारी रखना और जो मुगल एम्पायर है उनको उसकी रिपोर्ट सबमिट करना. उसके बाद दूसरा नाम आता है मीर बख्शी का. ये मिलिट्री इंचार्ज होते थे. इनका काम होता था मनसबदार को अपॉइंट करना और उनके सैलरी पेपर को चेक करना, तैयार करना, चेक करना. अच्छा, उसके बाद फिर इनका एक और जिम्मेदारी होती थी इनकी कि जो ये घोड़े होते थे, इस समय एक डाक सिस्टम होता था, एक चेहरा होता था, तो उन घोड़ों की ब्रांडिंग कर दी जाती थी ताकि किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड या कोई किसी भी तरीके का डिसेप्शन ना हो सके. तो इसीलिए घोड़ों की ब्रांडिंग कर दी जाती थी और चेहरे में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, जो सवार होते थे उनका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता था. तो ये खुद जाके दूसरे बख्शीज की हेल्प से उसको चेक किया करते थे ताकि किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सर्वे के टाइम पे सब दूसरे लोगों के घोड़े दिखा दिए जाएँ या दूसरे सवार दिखा दिए जाएँ और बार बार उनको रिपीट कर दिया जाए. तो इसको खुद से चेक किया करते थे. तीसरा होता था मीर समन. ये जो कारखाना होता था यहाँ के इंचार्ज होते थे, क्या सामान खरीदा जा रहा है और क्या सामान, मतलब पूरी जिम्मेदारी इनकी. जो भी आर्टिकल्स बनाए जाते थे, वेपन्स बनाए जाते थे, चाहे वो लग्जरी के हों या लड़ाई के हों वेपन्स हों, तो वो सब इनको सुपरवाइज करना पड़ता था, इनको सब कुछ देखना पड़ता था. अब अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं. अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी कैपिटल बनाया तो वहाँ पर उन्होंने एक हॉल बनवाया जिसको इबादत खाना कहते थे. तो वहाँ पर वो डिबेट करवाया करते थे अलग अलग धर्मों के लोगों की, जैसे कि क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, जैन हो गए, तो इन सब की वहाँ पर डिबेट होती थी. और इस इबादत खाना में फिर उसके बाद अकबर को बाद में ये बात महसूस हुई कि जब वो सारे धर्म को बड़ा इंटरेस्ट लेकर अकबर सुनते थे, सारे धर्म की बातें सुनते थे, उनके पेजेस, उनकी शिक्षाएं, और जब उन्होंने उनको पॉन्डर करा, उन पर विचार करा, तो उनको बस एक ही बात समझ में आई कि कोई भी धर्म हमें आपस में लड़ाई झगड़ा करना नहीं सिखाता है. तो उन्होंने एक नए धर्म का नेतृत्व किया और वो था दीन इलाही. दीन इलाही का मतलब था रिलीजन ऑफ वन गॉड. तो इसको, लेकिन उन्होंने इसको करने के लिए किसी को भी इन्फोर्स नहीं करा कि, और मान सिंह ने इसको नहीं माना और बीरबल ने इसको पूरे पूरे अच्छे से इसको स्वीकार कर लिया था. तो अकबर ने कभी किसी को, जैसे जोधाबाई थी, तो वो अपना, वो एक राजपूती महिला थी, तो वो अपने जो भी रिलीजन को वो मानती थी जिस भी तरीके से, जिस भी धर्म को फॉलो करती थी तो वो करती थी. तो अकबर ने कभी भी किसी को इन्फोर्स नहीं करा कि वो इस्लाम को फॉलो करेगा या फिर दीन इलाही को फॉलो करेगा. तो जिसका जैसे मन आता था वो करता था. तो ये हो गई अकबर के बारे में बात. अब थोड़ा सा इनके कोर्ट में जो 9 लोग थे जिनको 9 जेम्स कहा जाता था या नवरत्न कहा जाता था, तो वो स्कॉलर्स होते थे, पोइट्स होते थे, म्यूजिशियन, पेंटर, फिलोसोफर, ये सब हुआ करते थे. और नवरत्न इसलिए कहा जाता था कि वो मतलब नंबर्स में, देवर 9 इन नंबर्स. और उनमें कौन कौन शामिल थे? उनमें थे राजा बीरबल, म्यान तानसेन, अबुल फजल और मान सिंह, टोडरमल, ये सब उनमें आते थे. तो ये हो गई अकबर की कोर्ट की बात. तो आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे और कल हम इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट कर लें. और उसके बाद एयर चैप्टर, बच्चों के एग्ज़ाम, दे आर अप्रोचिंग नियर, तो सभी बच्चों को एयर चैप्टर की नीड हो रही है. तो उसके बाद हम ज्योग्राफी का एयर चैप्टर पढ़ेंगे. कल इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू एवरीवन.